Davik? मेरे कान में दर्द हो रहा है. Have you ever wondered why ear pain is so common in children? So let's find out. Ears का automatically mechanism होता है. Physiologically जब भी हम chew करते हैं, swallow करते हैं, जो भी wax बनता है, वो अपने आप बाहर आ जाता है. जो बाहर आ जाता है उसको जेंटली आप बाहर से साफ कर सकते हैं. बट हैव यू एवर वंडर व्हाई ईयर पेन इज सो कॉमन इन चिल्ड्रन? सो लेट्स फाइंड आउट. हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल बुलेटिन. टुडे आर ईएनटी एक्सपर्ट डॉक्टर सारिका बेनवाल विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस अबाउट ईयर पेन इन चिल्ड्रन. हेलो डॉक्टर सारिका, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. हेलो बेटा, व्हाई इज ईयर पेन सो नॉट इन एडल्ट्स? ओके, देयर आर रीजंस फॉर दिस. बच्चों में एक्चुअली क्या होता है, ईयर केनाल, ईयर का कनेक्शन जो नोज़ के थ्रू अंदर से होता है उसको हम यूसेशन ट्यूब बोलते हैं. बच्चों में उसका एनाटमी ऐसा होता है कि वो छोटी होती है, थोड़ी वाइड होती है और स्ट्रेट होती है. तो ईयर नेजल इन्फेक्शंस जनरली ईयर में बहुत फ्रीक्वेंटली बच्चों में चले जाते हैं. बड़ों में भी होने का चांसेस होता है, ऐसा नहीं है कि बड़ों में नहीं होता, बट क्योंकि बड़ों की यूसेशन ट्यूब का इंक्लिनेशन विद एज चेंज हो जाता है, वो ऑब्लीक हो जाती है, थोड़ी सी नैरो हो जाती है और लेंदी हो जाती है. तो कंपैरेटिव टू किड्स, बच्चों के कंपैरिजन में बड़ों में ईयर इन्फेक्शंस कम होते हैं. व्हाट कैन वी डू इफ अ चाइल्ड कंप्लेन्स अबाउट पेन इन ईयर? जब बच्चों के कान में दर्द होता है तो पेरेंट्स को फर्स्ट थिंग है, बच्चे के कान में दर्द है, पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं, पैनिक नहीं करना है. क्योंकि ईयर पेन बहुत कॉमन है, कोल्ड कफ हुआ तो बच्चे को ईयर पेन हो सकता है, लेकिन उसमें कान में कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है. होम रेमेडीज़ जनरली जैसे पेरेंट्स को पता होता है, लोग ऑयल डाल देते हैं गर्म करके, ये सब कर देते हैं, कोई भी ईयर ड्रॉप्स लोकल शॉप से लिया वो डाल दिया, उन सब से कुछ इफ़ेक्ट नहीं आना है. बच्चे को पेन के लिए पेन किलर देना है, जो आपके पास घर में अवेलेबल है. वो जैसे पीडियाट्रिशियन ने बच्चों को जनरली कभी बुखार के लिए जो दवाई दी होती है, क्रोसिन सबके घर में होता है, तो क्रोसिन सिर्फ उसके अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट जैसे पीडियाट्रिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं आप उतना दे सकते हैं. तो घर में जो कॉमनली आपके पास अवेलेबल है, क्रोसिन है, आइबुप्रोफेन है, वो बच्चे को आप पेन किलर दे दीजिए, पेन रिलीफ उसी से आएगा. उसके बाद आप ईएनटी एक्सपर्ट के पास ले जाके बच्चे का चेकअप करा सकते हैं, तो वो चेक करके आपको बता देंगे कि बच्चे के कान में सूजन है, नहीं है, क्या दिक्कत है. ठीक है, What are the warning signs that we should look for? Okay, warning signs में basically यही है, बच्चे के कान से जैसे पेन हो रहा है, पेन के टाइम पे कई बार ईयर डिस्चार्ज हो जाता है, ब्लड स्टेन, पानी आने लगता है. उसका रीज़न यही होता है कि कान के पीछे जैसे जुकाम का पानी इकट्ठा हो गया है, वो इतने प्रेशर में है कि बच्चे का पर्दा पंचर करके वो बाहर निकल के आ गया. तो उस टाइम पे डेफिनेटली डॉक्टर के पास आपको लेके जाना चाहिए ताकि वो चेक करके क्लीन कर दें और फिर अकॉर्डिंग टू दैट मेडिकेशन स्टार्ट कर देंगे, एंटीबायोटिक और पेन किलर ये सब. इज इट सेफ टू पुट वार्म मस्टर्ड ऑयल इन ईयर्स? नहीं नहीं बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया कि जनरली जैसे पेरेंट्स अवेयर होते हैं कि होम रेमेडीज़ में कि तेल डाल दिया, सबसे कॉमन यही होता है, लोगों को पता, तेल वगैरह नहीं डालना चाहिए, कई बार उसका नुकसान ज़्यादा हो जाता है, वो बेनिफिट नहीं करता. सेफ टू रिकमेंड टू यूज ईयरबड्स टू क्लीन आवर ईयर्स? नो, इट इज़ नॉट सेफ, बिकॉज फर्स्ट थिंग आपको ईयर केनाल, यू कैन नॉट सी योर ईयर्स, तो आपको नहीं पता है आप कितना अंदर तक सफाई कर रहे हैं, कई बार उससे चोट लग सकती है, पर्दे पे भी चोट आ जाती है. दूसरी चीज़, जिसका वैक्स ज़्यादा बनता है उनके कान में दिक्कत ये आती है कि आप ईयरबड से उसको साफ़ कर रहे हैं तो वैक्स और पीछे पुश हो जाता है, मतलब वो पर्दे पे जाके चिपक जाता है, कान बंद हो जाते हैं, तो वो इन अ वे मतलब आपको बेनिफिट ना करके हार्म ही करता है. तो ईयरबड इज नॉट रिकमेंडेड. हाउ कैन वी क्लीन एंड मेंटेन प्रॉपर हाइजीन ऑफ ईयर? नॉर्मली देखो, ईयर का ऑटोमेटिकली मैकेनिज्म होता है. फिजियोलॉजिकली जब भी हम च्यू करते हैं, स्वॉलो करते हैं, जो भी वैक्स बनता है वो अपने आप बाहर आ जाता है. जो बाहर आ जाता है उसको जेंटली आप बाहर से साफ कर सकते हैं, बट अंदर आपको पोक नहीं करना है. तो यू नीड नॉट टू मेंटेन लाइक एनीथिंग कि कुछ आपको स्पेशल करने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन हाँ, जिन कुछ पेशेंट्स या मतलब कुछ पर्सनस ऐसे होते हैं जिनका सिक्रीशन ज़्यादा होता है, उनको साल 6 महीने में एक बार ENT चेकअप करा लेना चाहिए ताकि वो डॉक्टर को दिखा के फिर प्रॉपर क्लीनिंग हो जाए उनकी. Why during cold and cough do we feel pain in ear while swallowing? इसका सिंपल वही रीज़न है मैंने आपको बताया, क्योंकि ईयर्स आर कनेक्टेड टू आर नोज एट द बैक विद द यूस्टेशियन ट्यूब. जब हम मतलब स्वॉलो करते हैं, यॉन करते हैं, तो वो यूस्टेशियन ट्यूब खुलता है, बंद होता है, तो उसी वजह से जब भी हम स्वॉलो करते हैं तो उस स्टेशन ट्यूब की मूवमेंट की वजह से अगर कंजेशन होता है तो पेन होने लगता है. स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेडिकल बुलेटिन के साथ सेहत के रास्ते पर चलते रहें. जय हिंद.